देखो जी, लोगों का प्यार है, लोगों का मोहब्बत है जो मैं लोगों के दिलों में दिमागों में बसा हुआ हूँ। और ये और मैं जो हूँ ढोलक बजाता हूँ, और YouTube पे चैनल है मेरा भूरा ढोलक के नाम से भी है। अच्छा, तुम्हारा अलग भी है? मेरा अलग चैनल है एक भूरा ढोलक। अच्छा, Facebook पे भी है, YouTube पे भी है, और तुम्हारी दुआ से बहुत अच्छा वो चल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसे। अच्छा, इसकी वो गिर गई क्या? गेंद सी थाओ, ये मिल गई। चलो जी, नहीं इधर इधर को ले लो। अच्छा ये बताओ जी, वो जो तुम्हारे साथ आशु बच्चन है जी, वो कहाँ है आजकल? ये आशु बच्चन जो थे उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से गाए हैं, उनकी इज्जत करते थे हम बहुत, हमारी टीम में सदस्य थे वे। और आज भी मैं उनसे मैं बिना प्यार बहुत प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ। वे इस टाइम अयोध्या में हैं, छोटे बच्चन जी उन्हें लेके गए हुए हैं। अच्छा, वो जी वे छोटे सहराज जो थे वे निकले पहले हमारे यहाँ से, चले गए 15 दिन बाद उन्हें फोन करके कॉल करके उन्हें बुला लिया और उन्हें भी बुला लिया। अच्छा, गांव उनका भी यही था? गांव उनका बधाई कला है, बड़ी बड़ी बधाई कला, तुम्हारे देवन के पास रूहाने के पास पड़ता है। जी 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 जी। और मैं जो था, मैं आशु को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि जिस टाइम मेरे पास आए थे 2 लाख सब्सक्राइब थे, और जिस टाइम पे मैं ट्रेन में ढोलक बजाता था, ट्रेन में गाता था, ट्रेन वगैरह में जी, मैं ट्रेन से मेरे वीडियो फेमस थी बहुत, बहुत वायरल हो रही थी। और उस वीडियो को देख के मेरे पास आशु भाई, राहुल भाई वे आए थे, और मैं बहुत मजबूरी से चल रहा था, बहुत परेशानी से चल रहा था, मैं बहुत बुरे बुरे दिन काट रहा था। किराए पे मैं रहता था गांव में ही अपने ही, किराया तो कोई ज़्यादा नहीं देता था, मैं 200-300 रुपये देता था मकान के। आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति मेरी है कि आज शुक्र है खुदा का, मालिक का, मैं बहुत अच्छा हूँ, मालिक, 2 बच्चे हैं, परिवार है, और मैं बहुत खुश रहता हूँ, और मजा आ रहा है, कोई बहुत फुल मजा आ रहा है। और मेरे पास जो है बहुत इंटरव्यू वाले भी आते हैं मेरे भाई, मैंने कल भी इंटरव्यू दिया था, परसों भी दिया था, मैं दो तीन दिन से रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ। स्पेशली तो हम आपके लिए आए हैं जी सर, असली बात तो ये है जी सर, बोले भाई जी, हम जो स्पेशली आए थे तुम्हारे वजह से जी सर। हम भाई एक पन दो काल मैं जब यहाँ आए हैं तो भूरी भूरे भाई की टीम के साथ भी मैं उनका भी इंटरव्यू। नहीं, बहुत अच्छा कर आपने सर, आप आए, हमें मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। देखो, और क्या कहना चाहोगे जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए? मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी हमारे यूट्यूब पे कलाकार है, मैं सबकी करीब करीब वे बढ़ेंगे अपना टैलेंट दिखा के, अपनी कला दिखा के, कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूंगा, अपने माँ बापों से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, और यूट्यूब पे अपना अच्छी तरह काम करें। और सबसे मेन बात तो यह है, मेरी जिंदगी में जो आए हैं राहुल भाई आए हैं। ये राहुल भाई कौन है? ये राहुल भाई मुलेड़े के रहने वाले हैं, छुरमुडेड़ा, छुरमुडेड़ा, हाँ, सरतने के पास। अच्छा, वहाँ और ठाकुर साहब हैं ये। अच्छा अच्छा। और ये बहुत अच्छी हमारी कला को कदर करते हैं, इन्होंने मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, बहुत बड़े बड़े स्टेजों पे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में ढोलक बजवा दी, फरमाए नाज को मौका दिया जी, आपको भी मौका दिया जी, तो इन सब का श्रेय किसको जाता है? ये सब प्यार राहुल भाई को जाता है। राहुल भाई पहले वो थे तुम्हारे साथ, ना राहुल भाई के बाद में सुनो, आशु जो थे, आशु भाई जो थे हमारी टीम में काम ही करते थे, वे भी मजदूर आदमी थे बेचारे जी, वे मजदूरी आदमी थे। अच्छा, अच्छा। और उन्हें बहुत अच्छा पैसा देते थे हम, पीछे वो रखा है मतलब बैग के अंदर, वो स्टैंड रखा हुआ ये वाला बैग, बैग 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 सर भी उठा ला नहीं लाओ। अच्छा जी, वे भी बेचारे मजदूर आदमी थे, उन्हें भी बहुत अच्छा पैसा देते थे हम, पर लेकिन लालच आ गया उनके दिमागों में। अरे वो लालच के क्या, मुझे लग रहा है वो जो लड़का नया आया ना, कौन है, कहाँ का है? सहराज। सहराज है कहाँ के? ये अयोध्या का रहने वाला है। यहाँ कैसे आ गया? यहाँ से इसे मैंने बुलवाया था, इसकी यूट्यूब पे हमने वीडियो देखी थी, और राहुल भाई से मैंने बोला था, मैं लेकर आओ, इन्हें बहुत अच्छी कला ले रहे हैं ये, और इन्हें बुलवाओ, तो दोनों मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं ये भी। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जी जी जी, ये हर हीरो की हर विलेन की आवाज़ निकाल देते हैं। हाँ, 10-12 की निकालते हैं जी जी। और इनके पास भी बहुत दुनिया जाती है इंटरव्यू लेने के लिए, और अभी पीछे मैंने 3 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, तो वे अयोध्या भी पहुंच गए थे इंटरव्यू लेने। अच्छा। और अब टीम
हमारी टीम में है एफस्टैम, फरमानी नाज, फरमान भूरा ढोलक। अच्छा वो लड़का जो, हाँ फरमान उसका भाई है सगे, उसके बाद में था कैलाश खार की, कैलाश की नहीं राहत फतेह रहा, जी 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 है? ये मेरे सगे चाचा चाचे के बहन भाई है। तुम्हारे परिवार में हो? मेरे परिवार से एक ही खून का रिश्ता है, ये बात है। मैं इनके ताऊ का लड़का हूँ, वे मेरे चाचा की लड़की है और चाचा का लड़का है, सगे बहन भाई है। तो पढ़ाई में आपने क्या किया हुआ? सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल ठेठ हूँ, दिमाग से अंगूठा छाप, हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पे मेरा नाम भी लिखना नहीं आता, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन कला कला है, वैसे मालिक का शुक्र है मेरे पास इतना दिमाग है, आप मुझसे कुछ भी सुन सकते हो, गजल कव्वाली भजन गाने और फिल्मी दुनिया की। मैं ढोलक बजाता हूँ, आर्केस्ट्रियो वाली बहुत अच्छी ढोलक बजाता हूँ, और वर्ल्ड में मैं बहुत छा रहा हूँ, बहुत फेमस हो रहा हूँ। मेरे जो सब्सक्राइब है मिलियन से ऊपर हो रहे हैं जी। आपको मैं स्टूडियो में चल के दिखाता हूँ, और अगला मेरा इंटरव्यू होगा स्टूडियो में। अरे शुरुआती दौर में आपने कैसे, शुरुआत में जी मतलब कैमरा खरीदा या? नहीं नहीं सर, मैं हमारे पास राहुल भाई पे एक फोन था, वो फोन हमारे पास आज भी है, अब तो वो रिटायर हो चुका। उस फोन से हम वीडियो बनाते थे, बाइक थी एक, मोटरसाइकिल थी। आज शुक्र है मालिक का उसी फोन की मेहरबानी से, वीडियो की मेहरबानी से, लोगों के प्यार से, लोगों के दिलों पे छाने से आज हमारे पास सब कुछ है। अपने पास स्टूडियो भी है, स्टूडियो तो मुझे लगा अभी बनाया था। जी अभी स्टूडियो बनाई है, कार है, कितने दिन हो गए? और स्टूडियो को बने हुए को अभी 4-5 महीने हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। हाँ 4-5 महीने स्टूडियो को चलने हुए काम को हो गया, स्टूडियो हमने चालू कर दी। पब्लिक आ रही है? पब्लिक बहुत आती है, फेसबुक ऐसा है, आप ये देखो आप स्टूडियो में चल रहे हो, अब मेरे साथ आप लोगों का भी जी लग जाएगा बहुत। नहीं स्टूडियो जो बनाया है उसमें लगभग कितना खर्चा आया होगा? उसमें खर्चा बहुत आ गया जी, उसमें कम से कम 40-50 लाख का खर्चा आ गया, जमीन समेत। जमीन लेने के बाद जी, जो खतौली में बनाया ना और सड़क पे बनाया है, खतौली में। और रोड के मामले में तो आपको ही पता होगा जमीन क्या भाव मिलती है। तो वो किसका स्पेशली की? स्पेशल जो है वो राहुल भाई का है, मतलब है तो पूरी टीम का। हाँ। और मतलब उसमें राहुल भाई को हमने मैन बना रखा है, मुखिया वही है हर चीज के। अच्छा, हमें हाँ वे तो बेचारे हमें हमारी टीम चलाते हैं, वो मान लो मैनेजर मान लीजिए, मैनेजर हमारे सीनियर आदमी है। अच्छा अच्छा, तो जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और जो नए कलाकार हैं, जो आगे हम जितने भी बच्चे अपने ये विकलांग हैं जितने भी, इन्हें भी जो जिसके पास टैलेंट है कला है, हम सबको गाने का मौका देंगे। अच्छा, जो स्टूडियो में अपनी जो अभी जिनको मौका नहीं मिल पा रहा जी जी, और टैलेंट है उनके अंदर जी, तो उनको जो है अब आप ऐसे लोगों को जो है जी टैलेंट बतलाएंगे हम, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें मौका देंगे गाने के लिए। तो उससे कुछ चार्ज नहीं क्या? दुनिया के अंदर हर गाँव में हर उसमें हर आदमी में एक न एक टैलेंट छुपा रहता है। अच्छा। बहुत दुनिया में कलाकार ऐसे हैं जो बेचारे अपनी कलाकारी को दिखा नहीं पाते हुए। ये तो बात है, मतलब उन्हें मौका नहीं मिल पाता जी सर अपनी क्वालिटी दिखाने का। जी जी जी, अरे वाह। और राहुल भाई कल भी बोल रहे थे इस बात को कि जितने भी हमारे गरीब गुरबा हैं बेचारे जो विकलांग हैं और जो गाते हैं उन्हें हम अपनी स्टूडियो में गाने का मौका देंगे जरूर। अच्छा, ये आंसू बच्चन साथ एक बुड्ढा बुढ़िया है तो? हाँ, इनके पास एक बुड्ढा एक बुढ़िया है, उन्हें ये आंसू और छोटा हजार 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 2000 रुपए दे देते हैं रोज, और उनसे वीडियो बनवाते हैं। हाँ, और वे भी अच्छे बेचारे कलाकार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वे भी अच्छा गाते हैं। दादी दादा कुछ ऐसे हैं? नहीं वे दादी दादा नहीं है, नहीं कुछ नहीं है उनके, केवल पागल वाली बात है, सब झूठ है ये बात। सिर्फ मान लो किसी बूढ़े बुढ़े को हम गाली तो दे नहीं सकते, या तो दादा बतलाएंगे उसे या ताऊ बतलाएंगे। तो इस बात मान लो अब वे उनकी वीडियो बनाते हैं, 1000-2000 रुपये दे देते हैं उन्हें, 5-6-2-3 वीडियो बना लेते हैं गाने की। वे भी अयोध्या के हैं रहने वाले। अच्छा, वही है इस टाइम अयोध्या में। और आंसू भाई जो है रहने वाले बधाई कला के हैं, कम से कम आज 4-5 महीने हो लिए हमारे पास से गए, वे खुद अपनी मर्जी से गए हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, खुद अपनी मर्जी से गए हैं जी। और जो ले जाने वाला जो है सेराज है, सेराज वो यहाँ कैसे जुड़ गया? वो यहाँ ऐसे जुड़ गया था, उनके हमने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, और यूट्यूब से हमने उन्हें बुलाया था, राहुल भाई उन्हें शुरू से जानते थे, तो राहुल भाई ने उन्हें बुलाया। और
राहुल भाई तो ऐसे ऐसे कलाकार बहुत बुला ले, बहुत कलाकार है उनके पास, ऐसे 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 हैं बहुत कलाकार है। चलो बहुत बढ़िया बात है जी। तो अब तो ये जो आंसू बच्चन साइड में हो गए हैं जी, और जी आंसू बच्चन जी ने अपना चैनल अलग कर लिया, आंसू बच्चन सहराज मिमिक्री के नाम से है, और मेरा जो चैनल है भोरा ढोलक के नाम से है, एक फरमानी नाच के नाम से है, एक भक्ति नाच है? नाच है चैनल, हमारे भी तीन चैनल हो रहे हैं, तीन चार। तीनों पे कितने कितने वो सब्सक्राइबर हो गए?